हेलो दोस्तों, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सीएससी से यूटीआई पैन कार्ड कैसे बनाए फिजिकल मोड से। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत कम समय में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अब देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउजर में आना है और अपनी सीएससी आईडी को लॉग इन करना है। सबसे पहले सीएससी आईडी लॉग इन होने के बाद यहाँ पर सर्च पर पैन टाइप करना है, सिंपली पैन। और पैन टाइप करने के बाद पैन कार्ड ई केवाईसी सर्विस जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक हेयर कर देना है। और उसी के बाद ये फॉर्म आपको यूटीआई का जो यूटीआई का जो फॉर्म है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इतने सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हो और यहाँ से न्यू बना सकते हो, ये सब कुछ। फिर अभी हमें जो बात कर रहे हैं न्यू पैन कार्ड 49A के बारे में, तो अप्लाई न्यू पैन पे जाने के बाद अप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने से सिंपली आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा आप देखते रहिए, यहाँ पर ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको दो मोड मिलेंगे, एक फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। और अभी हम बात कर रहे हैं, और अभी जो पैन कार्ड बना रहे वो फिजिकल मोड का है और फिजिकल मोड पे ही टिक रहने देना है। और यहाँ पर इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नो कर देना है। और यहाँ पर बहुत फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन, मतलब ईमेल आईडी पर आपको ई पैन मिलेगा 3-4 दिन वर्किंग डे के अंदर। और ये फिजिकल पैन आपके एड्रेस के ऊपर पोस्ट के जरिए आपको मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद आपके सामने ये फॉर्म पूरी तरीके से ओके फिल करने के लिए, ये फिल करने के लिए आपके सामने पूरी तरीके से ओके है, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको टाइटल के अंदर जिस भी अप्लीकेंट का बना रहे हैं उसका टाइटल सेलेक्ट कर लेना है आपको, वो कुमारी, श्री, श्रीमती, जो कुछ भी है सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका लास्ट नेम फिल करते हैं, यहाँ पर लास्ट नेम फिल करें और यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करें और यहाँ पर मिडिल नेम फिल कर दे। और ये पूछ रहा है कि नेम ऑन कार्ड, मतलब आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है आपका वही अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल कर दे, मतलब यहाँ पर आप फिल कर देंगे ये यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसी के बाद ये पूछ रहा है कि आपका इसके अलावा एप्लीकेंट का दूसरा कोई नाम है क्या, सिंपली नो कर दे। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ले एप्लीकेंट का, और रेसिडेंट एड्रेस सेलेक्ट कर, और यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस जिस भी स्टेट से है आप वो स्टेट को सेलेक्ट कर ले। और ऑफिस स्टेट के बारे में कुछ नहीं है अभी, अभी रेसिडेंट एड्रेस के बारे में हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से अपना स्टेट सेलेक्ट कर ले, अब जिस स्टेट से है वो सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पर सिंपली एप्लीकेंट का आधार नंबर फिल करें, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। और यहाँ पर आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है एप्लीकेंट का वो पूरी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। और इतना ही सब करने के बाद नेक्स्ट, सिंपली आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल के बारे में पूछेगा। और ये डॉक्यूमेंट डिटेल के अंदर आपको सिंपली आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है, 3 जगह पर भी आपको पूछा जाएगा तो आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड सेलेक्ट होने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये रिडायरेक्ट करेगा अपने सीएससी वैलिड के ऊपर जहाँ से अपने को पेमेंट करना है। और यहाँ पर अपने को मांग रहा है ये कि सीएससी आईडी का पासवर्ड फिल करें। चलो मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। और ये पूछ रहा है पासवर्ड फिल होने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि वैलिड पिन डाल, वैलिड पिन फिल कर देता हूँ। वैलिड पिन होने के बाद सिंपली पे पर क्लिक करते हुए अपने वैलिड से पैसे डेबिट हो जाएंगे और ये रिडायरेक्ट करेगा पैन कार्ड के फॉर्म के ऊपर। और ये फॉर्म अपने को फिल करना है, ये फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली अप्लीकेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, अप्लीकेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करें और अप्लीकेंट का वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करें, ताकि ई पैन जब मिले तो ईमेल आईडी पर मिलता है तो ईमेल आईडी वैलिड फिल करें। और यहाँ पर नो पर टिक मारे और उसके फादर का लास्ट नेम
और फर्स्ट नेम फिल करें और नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट करें। जब आप नेक्स्ट स्टेप क्लिक करेंगे, आपके सामने एड्रेस डिटेल के बारे में पूछेगा। यहाँ पर एप्लीकेंट का जो भी एड्रेस है, वो एड्रेस, रेसिडेंट एड्रेस, जो कुछ है, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ यहाँ पर ही फिल करना है। जो भी हम फॉर्म भरे रेसिडेंट एड्रेस के बारे में, आपको यहाँ पर से लेकर यहाँ पर इतना ही फिल करना है, और ये ऑफिस एड्रेस का यहाँ पर अभी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर इसी को फिल करेंगे, ऑफिस एड्रेस के बारे में बहुत सारे मतलब और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे और इसका भी हम फिल नहीं कर रहे रेसिडेंट एड्रेस के बारे में। और यहाँ पर गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सिंपली क्लिक करें और यहाँ पर नो इनकम पर टिक मार्क करें। और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये डिटेल फिल करना है, और डिटेल के बारे में, ये एरिया कोड, एओ टाइप, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पर एप्लीकेंट का टाइटल सेलेक्ट करना है और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो कुछ है, और पिछले जैसा हमने रेसिडेंट एड्रेस और एड्रेस के अंदर जो कुछ डिटेल फिल करी, फिर से यहाँ पर फिल कर देना है और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और यहाँ पर हिमसेल्फ हिम्स इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली ये सब क्लिक होने के बाद नेक्स्ट कर, सिंपली जब आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने ये डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में कुछ जानकारी देना है। स्कैनिंग मतलब फोटो स्कैन करना है 300 dpi के अंदर, कलर हो और इसका पिक्सल साइज हो, और ये 30 KB के अंदर, और सिग्नेचर की बात करें 600 dpi हो, और ये रेजोल्यूशन 60 KB के अंदर हो। ये सब सिग्नेचर और फोटो स्कैन करना है, और ये जो फॉर्म मिलेगा उसके ऊपर दो फोटो, सिग्नेचर हो, सब कुछ लगाकर स्कैन कर अपलोड करना है। ये यहाँ तक का ये है, इसके बाद जो स्कैन करते वो भी हम आपको बता रहे हैं, अब देखते रहिए। और सिंपली ये सब होने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो आएगा हम बता, जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म, ये डिटेल जो भी एप्लीकेंट की है आपके सामने आ जाएंगी। आप इसे प्रिंट आउट लेकर एप्लीकेंट को, कस्टमर को भी दे सकते हो। और इसी के बाद जो डाउनलोड PDF फॉर्म रहता है उस पर क्लिक करना है, वो डाउनलोड फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसे प्रिंट आउट लेना है। उसी के ऊपर आपको दो फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ स्कैन करके अपलोड करना है। कहां पर अपलोड करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अब देखते रहिए। जब फॉर्म प्रिंट आउट के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा, तब इस बात का हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एप्लीकेंट की फोटो आएगी, यहाँ पर एक फोटो आएगी और यहाँ पर एक एप्लीकेंट की फोटो आएगी, ये दो फोटो रहेंगे, और यहाँ पर क्रॉस लाइन में एप्लीकेंट की सिग्नेचर आएगी और यहाँ पर एक एप्लीकेंट की सिग्नेचर आएगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है, और सिग्नेचर अच्छी तरीके से क्लियर करें, और फोटो भी कलर फोटो हो, और अच्छी तरीके से चिपकाएं, और सिग्नेचर मार्कर स्कैन करना है। और उसी के नीचे एक फॉर्म रहेगा, मैं आपको बता, जो उसका दूसरा जो फॉर्म रहेगा, दो फॉर्म आएंगे, तो उसी के यहाँ पर आपको इस डिब्बे के अंदर सिग्नेचर करना है एप्लीकेंट की। इस बात का हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर एप्लीकेंट की सिग्नेचर करना है, और ये सब फोटो सिग्नेचर होने के बाद आपको स्कैन कर अपलोड करना है। स्कैन कैसे करना है और कहाँ से करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। फोटोशॉप ओपन कर, हमने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लिया, और फॉर्म के ऊपर दो फोटो और सिग्नेचर पूरी तरीके से लगा देकर, और वो स्कैन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करना है, जो सबसे आसान तरीका हो। फोटोशॉप ओपन होने के बाद, फोटोशॉप ओपन हो गया तो मैं बता देता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर फाइल पर आना है, इम्पोर्ट पर आना है, और अपना जो प्रिंटर है उसे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्कैनिंग का, स्कैन कर लेना है, कलर हो, स्कैन कर देते, वो स्कैन होना शुरू हो गया। इसी तरीके से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, फॉर्म हो और आधार कार्ड हो, ये पूरी तरीके से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद उसे JPG फाइल में डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है,
उसके बाद उसको जेपीजी टू पीडीएफ, मतलब जितने भी जेपीजी में बनाए हैं, जो 4 पेज है, 3 पेज है, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, जो पीडीएफ का साइज 2 MB से कम हो। उसके बाद आपको अपलोड करना है। सिंपली हमने डॉक्यूमेंट जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से स्कैन कर लिया है, और ये फॉर्म है, ये बैक साइड है, और उसी का, और ये एप्लीकेंट का आधार कार्ड है, ये हम पूरी तरीके से स्कैन कर लिया है। अभी इसको हमें सेव करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, फिर उसके बाद हमें उसका पीडीएफ बनाना है। सेव करने के लिए सबसे पहले उस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर फाइल मेनू पर जाना है, फिर सेव एज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये पूछेगा कि आप किस में सेव करना चाहते हो। यहाँ पर देखो, बहुत दफा यहाँ पर हमारी गलती ये हो जाती है कि हम फाइल एक जगह पर सेव करते हैं और ढूंढते एक जगह पर, यहाँ से हमारा वक्त जाया हो जाता है। बट जहाँ कहाँ पर सेव कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम डाउनलोडिंग में सेव कर रहे हैं या फिर और किसी फाइल में। सिंपली हम डाउनलोडिंग में फाइल सेव कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सा कंफ्यूजन आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जेपीजी जेपीईजी है, तो यहाँ पर है ना दूसरा भी ऑप्शन आ जाता है कि कभी कभी ये फाइल फोटोशॉप में भी सेव हो जाती है या फिर और किसी के अंदर। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी फाइल जेपीजी फाइल में सेव हो, और जो भी अपने को फोल्डर में सेव करना है, डाउनलोडिंग हो, डेस्कटॉप हो, आप उसी में सेव कर सकते हो। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ताकि अगर हम गलती से फोटोशॉप में सेव कर लेते हैं और फिर उसको जेपीजी टू पीडीएफ करने जाते, तो वहां पर वो नहीं होता है। जेपीजी में सेव कर लेना है, सिंपली उसका कुछ नाम डाल देते हैं और सेव हो जाता है। ओके करते हैं, ये फाइल हमारी सेव हो गई, इसे हटा देते हैं, इसे ले लेते हैं। इसको सेव करने के लिए सेव एस पर जाए और यहाँ पर नाम डालें, कुछ रीनेम दे दें ताकि जल्दी मिले। ओके, फिर इस पर क्लिक करें और फाइल पर जाएं, सेव एस पर जाएं, और यहाँ पर दे दें कुछ नाम अपनी मर्जी से। ये हमारी तीनों भी फाइल पूरी तरीके से सेव हो चुकी है। अब हमें इसको जेपीजी टू पीडीएफ करना है, तो इसके लिए हमको सिंपली क्रोम ब्राउजर, सिंपली हमको जेपीजी टू पीडीएफ करने के लिए आपको हम क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ पर सिंपली टाइप करना है जेपीजी टू पीडीएफ, इंटर कर दे, और यह सबसे पहले जो साइट आती है वो उसी पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है जेपीजी साइज का जो इमेज है वो अपलोड करें, तो यहाँ पर हमारे ये तीन भी इमेज है, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम एक एक से ले लेते ताकि आपको भी समझ आ जाए। ये पहला हो गया, एक दूसरा वाला नाम इसलिए रीनेम इसलिए डालना है कि हमें जल्दी मिल जाए, क्योंकि आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए ये सब हो गया। इसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है, ये कुछ समय में हो जाएगा। जब तक हमें और एक काम बाकी है, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा काम है। फिर से नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है यूटीआई पैन कार्ड फोटो फोटो एंड सिग्नेचर साइज, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना उसी पर ही क्लिक करना है हमको। सिंपली इस पर क्लिक करना है, ये साइट पूरी तरीके से ओपन है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर है ना, अपने को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोटो डिजाइन, मतलब अपलोड फोटो, ये फोटो का है, मतलब ये फोटो के बारे में जो हमारी पासपोर्ट साइज फोटो होंगी, ये उसका साइज ये बनाकर ऑटोमेटिकली बहुत कम समय में हमको दे देगा डाउनलोड करके। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में, जो सिग्नेचर की जो साइज रहती है वो सिग्नेचर की साइज बनाकर हमें डाउनलोड करके वो दे देगा ये साइट के ऊपर से। सिंपली यहाँ पर अपनी फोटोज अपलोड करते हैं और सिग्नेचर अपलोड करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी को फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली चॉइस फाइल पर सिलेक्ट करना है और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं,
और यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसे फोटो है उसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं उसे डाउनलोड फोटो पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसी के बाद यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर अपनी सिग्नेचर रखी हुई, उसे ओपन कर लेते हैं और डाउनलोड सिग्नेचर पर कर लेते हैं और एक कुछ सेकंड के अंदर ये दो भी डाउनलोड हो जाएंगे। ये दो भी फाइल है ना पूरी तरीके से डाउनलोड हो गई। बस इसे जहां पर पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वहां पर डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ये तो हो गए फोटो और सिग्नेचर की बात, और जहां पर हमने जो काम छोड़ा था वो देख लेते हैं। ये तो पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया और यहाँ पर पीडीएफ के फाइल में हमको दिखाई भी दे रहा है। चलो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। फिर से हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो गए और जेपीजी टू पीडीएफ हो गया और फोटो का भी और सिग्नेचर का भी साइज पूरी तरीके से और रेजोल्यूशन जो कुछ है सब ओके हो गए डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद हमको अभी काम रहता है जो कुछ सबसे जरूरी काम ये कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट तो हमने बना लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपनी सीएससी डिजिटल सेवा पर लॉगिन हो जाते हैं। फिर उसके बाद सर्च के अंदर पैन टाइप करते हैं, पैन कार्ड ई केवाईसी पर सिलेक्ट करते हैं, फिर से वही प्रोसेस रहेगा। ये लॉग आउट हो गया। फिर से इसमें लॉग इन हो जाते हैं और यहाँ पर अप्लाई न्यू पैन, जैसे कि सबसे पहले हमने अप्लाई एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A पर गए थे, अभी वहां पर नहीं जाना है। बट उसके नीचे डॉक्यूमेंट जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो अपलोड डॉक्यूमेंट है वहां पर अपने को क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी कि उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो दिखाई देगा। और सिंपली यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से आप अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए सबसे पहले अपलोड पर क्लिक करें और यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपनी जो पीडीएफ जेपीजी टू पीडीएफ जो फॉर्म की जो पीडीएफ बनाए हैं जो जिसका साइज 2 MB के अंदर हो वही यहाँ पर अपलोड करना है। और रही बात यहाँ की, और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर फोटो अपलोड होगी, जो एप्लीकेंट की जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो अपलोड करना है और यहाँ पर सिग्नेचर। ठीक है, तो ये सब अपलोड कर लेते हैं। भी इस पे जाते हैं तो इस फाइल पर और जो कुछ हमने बना के रखा है ये पीडीएफ उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने अपने डाउनलोडिंग में ये सब फाइल मतलब फोटो और सिग्नेचर जो फोटो अपलोड करते हैं पासपोर्ट साइज वहां पर जाना है, तो यहाँ पर इतने सारे मतलब ये नंबर वाइज दिखेगा, यहाँ पर किसी का नाम नहीं रहेगा क्योंकि रीनेम नहीं किया हमने, तो नहीं कर देते हैं जल्दबाजी में। तो यहाँ पर पहचान ही कैसा कि कौन सी फोटो है और कौन सा सिग्नेचर है, ये बहुत जरूरी बात है कि कौन सी फोटो है और कौन सा सिग्नेचर है जिसे हमको जहां पर ही डाउनलोड करना है। तो उसे के लिए इसके पास थोड़ा सा एरो को ले जाएं और यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना 213x213 मतलब ये फोटो है, ये फोटो का है। यहाँ पर ओपन करें, अपलोड कर दे और फिर यहाँ पर सिग्नेचर पर जाते हैं। सिग्नेचर का जो साइज रहता है 400x200 रहता है, तो वो सिग्नेचर 600 DPI में आ जाता है। तो इसको सेलेक्ट करें और ओपन करें और अपलोड कर दें। ये सब पूरी तरीके से यहाँ पर पीडीएफ आ गया। बता देता हूँ, यहाँ पर पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया, यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब बारी है अपलोड कर देते हैं ये डॉक्यूमेंट पूरे। अपलोडिंग चालू है, ये पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर कभी कभी एरर आ जाता है, तो एरर आता है कभी साइज हमारा कम ज्यादा ज्यादा हो जाता है पीडीएफ का साइज या फिर फोटो का सिग्नेचर का। घबराने की कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने अपने इस वीडियो के अंदर बताया है कि किस तरह साइज बनाना है, कैसे स्कैन करना है और कैसे अपलोड करना है, आप यही फार्मूला यूज करेंगे तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। कि ये देखो एक ही बारी में पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से आएगा, तो इसको बस सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ का जो पैन कार्ड का जो काम था हमारा कि फॉर्म सबमिट करना है, पेमेंट करना है और फॉर्म को डाउनलोड करना है, फोटो लगाना है, सिग्नेचर और फिर उसको जेपीजी टू पीडीएफ बनाकर उसे अपलोड करना है, ये सब फुल प्रोसेस हमने इस वीडियो में बताई है। तो
किसी को कुछ डाउट होगा डिक्लेरेशन में, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फोन लगाएं, हम जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।